आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चार ऐसी रेसिपी जिसे कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आने वाली है, और इन रेसिपीज को आप 8 से 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं और बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सेजवान फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही डिलीशियस लगता है। यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई है, 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। आप इसमें ऑलिव ऑयल का यूज करें या फिर आप रिफाइंड ऑयल यूज करें। यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज के प्याज को स्लाइसेस में कट किए हैं। इसे हम हल्का सा भून लेंगे गुलाबी होने तक। 2 यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली है। इसको हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई हो जाए इतना ही हमें रखना है। यहीं पे हम डालेंगे बीन्स बारीक कटे हुए। यहीं पे बारीक कटे हुए बीट को ऐड करेंगे। सब्जियां यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल हो और जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं। सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, इसे हम 80% तक पकाएंगे। सब्जियों में हल्का क्रंच बना हुआ रहना चाहिए। और यहीं पे हम मटर ऐड करेंगे। तो मटर यहाँ पे फ्रोजन मटर है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा बाद में लिया है। अगर आप ताजे मटर ले रहे हैं तो आप साथ के साथ ले लें। तो सब्जियों को कुक करने में मुझे यहाँ पे 3 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं। बस यहीं पे हम राइस को ऐड कर देंगे इसमें, और यहीं पे हम 2 टेबल स्पून सेजवान फ्राइड राइस मसाला ऐड करेंगे। और इस मसाले को ऐड करने के बाद आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें नमक भी आपको ऐड नहीं करना है, नमक भी मसाले में रहता है। बस इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्मियों में रोटी पराठे से ज्यादा अच्छे चावल लगते हैं, तो आप इस तरीके से बना के टिफिन में दे सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल ये हमारे राइस बनते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मसाले की क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं, या थोड़ा आप तीखा कम बनाना चाहते हैं तो आप मसाले की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सेजवान फ्राइड राइस बनके तैयार है मिनटों में। यहीं पे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। टिफिन में एक साइड में मैंने यहाँ पे खीरा रखा है और एक साइड में रखेंगे सेजवान फ्राइड राइस। इस तरीके से आप बच्चों को दें तो बच्चे बहुत ही खुशी होकर के टिफिन को एंजॉय करेंगे। और अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस टोस्ट। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज लिया है, इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं। और यहीं पे मैंने पालक ले लिए हैं। पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद इसके प्राणी निकल चुके हैं, तो इसे हम बंच बना के इस तरीके से इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। पालक के सिर्फ हम पत्ते लेंगे, इसके स्टेम को आप किसी और सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई गरम करेंगे। यहाँ पे हम बटर का एक क्यूब ले लेंगे। बटर के मेल्ट होते यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे इसमें। तो इसे हमें 1 से 1.5 मिनट तक के लिए भूनना है, जब तक कि मैदे से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैदे का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। मैदे हमारे अच्छे से भून चुके हैं, और इसी स्टेज पे हम यहाँ पे दूध ऐड करेंगे। दूध इसमें ऐड करते जाएं और इसे स्टर करते जाएं, लम्स ना रहे इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया है, और अब इसकी जो गुठलियां हैं इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें लम्स नहीं है, ये हमारा व्हाइट सॉस तैयार है। यहीं पे हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा ये व्हाइट सॉस बन के तैयार हो गया है। सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। व्हाइट सॉस बनाते वक्त आप फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखें, और आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। जब कढ़ाई छोड़ने लगे व्हाइट सॉस, तभी आप फ्लेम को ऑफ करें। अगर आप इसे पतला रखेंगे ना, तो ब्रेड में डालते ही ये बिल्कुल ब्रेड आपके सौगे से हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये हमारा व्हाइट सॉस तैयार हो गया है, अच्छे से कुक हो चुका है। यहीं पे हम बारीक कटे हुए पालक को इसमें ऐड करेंगे। तो बस पालक को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और पालक डालने के बाद इसे हम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही इसे कुक करेंगे। पालक बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बस यहीं पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा हमारा ये व्हाइट सॉस तैयार हो गया है। यहीं पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे मैंने ये ब्रेड ले लिए हैं। तो ब्रेड के इस तरीके से हम किनारे को कट कर लेंगे। कोई सा भी आप ब्रेड ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने किनारे अच्छे से कट कर लिए हैं। यहीं पे हम ऐड करेंगे इसमें अपना व्हाइट सॉस। अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे हम चारों तरफ फैला के। और यहीं पे हम ऐड करेंगे इसमें बॉयल कॉर्न। तो कॉर्न को अगर आप टिफिन में बना रहे हैं ना, तो आप कॉर्न को पहले से उबाल करके रख सकते हैं। यहीं पे हम चीज को इसमें ऐड करेंगे। चीज की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीज तो जितना आप डालेंगे उतना ही बच्चे पसंद से खाते हैं।
और यहीं पे हम थोड़ा सा ओरिगेनो को स्प्रिंकल कर देंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मिक्स हर्ब्स जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। यहीं पे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स थोड़ा कम ही ऐड करेंगे यहाँ पे हम। आप इसे टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस यहीं पे मैंने तवा गरम कर लिया है और तवे पे यहाँ पे हमें तेल, घी, बटर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे, जिससे कि नीचे से ये बहुत ही क्रिस्पी सा बन जाता है। अगर आप आयरन के तवे पे आप इसे सेक रहे हैं तो आप थोड़ा सा बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि नीचे से वो चिपके नहीं। तो ये आप देख सकते हैं चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और ये हमारा व्हाइट सॉस टोस्ट तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है इसे बनाना, और मिनटों में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्क्वायर में रखें या फिर इसे आप बीच से कट कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुआ है और बहुत ही चीज़ी लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी लग रहा है ये देखने में। तो टिफिन में मैंने पपाया काट के रखे हैं और यहीं पे अपना हम व्हाइट सॉस टोस्ट को यहाँ पे बच्चों के लिए रखेंगे। और अब हम बना रहे हैं सूजी के अप्पे, जिसे कि बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम 1.5 कप सूजी लेंगे यहाँ पे। सूजी आप कोई सी भी ले लें जो आपके घर में अवेलेबल हो, मोटी वाली या बारीक वाली कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं। यहीं पे हम लेंगे 1 कप दही। अगर आपके पास एक दिन पुराना दही है तो आप ले सकते हैं। अप्पे में दही थोड़ा खट्टा खट्टा इतना टेस्ट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहीं पर मैंने ले लिया है नमक और 1/2 टीस्पून यहाँ पे लेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर। नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहीं पे हम लेंगे इसमें 2 कप पानी। तो जिस कप से मैंने दही लिया था उसी कप से यहाँ पे मैंने पानी लिया है। पहले यहाँ पे हम 1 कप ही पानी डालेंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। पर अभी क्या है ना कि सूजी हमारी और फूलेगी, तो इसलिए हम पानी इसमें और थोड़ा ऐड करेंगे। भी तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, पर सूजी जब हमारे फूल जाएंगे ना तो बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। तो ये मैंने 1/2 कप यहाँ पे पानी ऐड किया है। अभी हम इतना ही पानी ऐड करेंगे, जब हमें बाद में जरूरत लगेगी तो फिर इसमें ऐड करेंगे। और 10 मिनट के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, हमने कितना पतला इसे बनाया था, पर यहाँ पे ये देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे और पानी हमें ऐड नहीं करना। यहीं पे मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 लार्ज साइज का प्याज, पीली शिमला मिर्च, 1 टमाटर और हरी शिमला मिर्च लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें इसमें ऐड करना है। और यहीं पे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। आपको जो चीज़ इसमें नहीं पसंद है आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है और इसमें हमें मिर्च मसाला कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में ये बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके का हमें रखना है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। यहीं पे मैंने कड़ी लीव्स लिया है। कड़ी लीव्स अप्पे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, तो इसे भी हम बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम अप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पैन गरम हो गए हैं। यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स हमें ऑयल डालने हैं। सारे सांचे में अच्छे से हम ऑयल डालेंगे और यहाँ पे हम अपने बैटर को इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का पैन नहीं है तो आप इसे तवे पे भी नॉर्मल चीले की तरह बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनता है क्योंकि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। कुछ मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे और इसे बनाते वक्त आप फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखेंगे, ताकि अच्छे से पक जाए। तो जब ये अच्छे से पक जाए, ऊपर से आपको लगे कि पक चुका है, तभी आप इसे पलट सकते हैं। इसके लिए आप टूथपिक का इस्तेमाल लें या फोर्क का इस्तेमाल करें। तो इसे अब आप पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए और क्रिस्पी हो जाए ये हमारे अप्पे। तो बस इसी तरीके से हमें अप्पे को दोनों साइड से सेक लेना है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अप्पे के साथ आप कोई सी भी चटनी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे ये पुदीने की चटनी सर्व की है। यकीन मानिए ये चटनी बहुत ही अच्छी लगी थी फ्रेंड जब मैंने बनाई थी ये चटनी।
एक बार आप इस चटनी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अब हम बनाएंगे मलाई सैंडविच। मलाई सैंडविच तो इतनी यम्मी लगती है फ्रेंड्स, ये तो मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद है, सभी की फेवरेट है। और इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से खास कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मलाई ले लेंगे। तो मलाई यहाँ पे दो दिन की ये मलाई है, कल की है और आज की है। दो दिन की ये दूध की उतारी हुई मलाई है। दूध तो हमारे घर में हमेशा रहता ही है। दूध की आप कभी भी मलाई उतार लें और आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। कभी भी आप टी टाइम में बना सकते हैं या ब्रेकफास्ट में आप इसे बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने मलाई ले लिया है और यहीं पे कुछ बारीक कटे हुए मैंने सब्जी ले लिए हैं। एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है, गाजर लिया है, थोड़े से लाल शिमला मिर्च लिए हैं और हरी शिमला मिर्च लिए हैं। आपके पास अगर शिमला मिर्च नहीं है तो नॉर्मल आप इसे खीरे और प्याज के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर देना है। और यहीं पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने लिया और हाफ टी स्पून यहाँ पे हम ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे, यानी काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ये चिली फ्लेक्स ले लिया है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस, और हमें इसमें कुछ भी नहीं लेना है, बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो बस आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार है। ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसे हम स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड के ऊपर इस तरीके से। दो बड़े चम्मच यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है मैंने अच्छी तरीके से चारों तरफ, और एक ब्रेड स्लाइस को और इसके ऊपर हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो तवे पे थोड़ा सा घी ले लेंगे या बटर ले लेंगे, जो भी आपको पसंद हो। इस सैंडविच को बनाने के लिए मैं घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो पे ही रखा है। लो पे सेकेंगे ना तो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे हमारे सैंडविच। तो बस यहाँ पे लो फ्लेम पे इसे हम सेक लेंगे ब्रेड को। तो बस इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरा होने तक के लिए सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसमें प्यारा सा कलर आ गया है। तो इसे हम दोनों साइड से गोल्डन होने तक के लिए सेक लेते हैं। तो बस मिनटों में हमारी ये मलाई सैंडविच तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही क्रीमी और सॉफ्ट। आप चाहें तो इसे स्क्वायर में रखें या फिर इसे आप कट कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे सकते हैं। आप इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पे या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर टिफिन में बना करके दे सकते हैं।